आज हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि एमीन, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, नाइट्रो अल्केन, अल्काइल नाइट्राइट्स। ये सभी जो है एक ऐसा केस है जिसमें कि कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसलिए इन सब को हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं। बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम लोग को इन सभी कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट, सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइट्स, RONO, दूसरा है अल्केन, नाइट्रो अल्केन, सेकेंड वन इज नाइट्रो अल्केन, दिस इज RNO2, थर्ड वन इज अल्केन आइसोनाइट्राइल, दिस इज नाइट कॉल्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड अनदर वन इज अल्केन नाइट्राइल, दिस इज नॉट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दिस इज एसिड डेरिवेटिव्स। हाउएवर वी स्टडी दिस कंपाउंड इन दिस चैप्टर बिकॉज अल्केन नाइट्राइल एंड अल्केन आइसोनाइट्राइल रिसेम्बल इन देयर प्रॉपर्टीज, इन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में मैच करता है, इसलिए इन दोनों को यहां पर स्टडी करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एसिड डेरिवेटिव्स है, ये जो कंपाउंड है वो एसिड डेरिवेटिव्स का पार्ट है। फोर्थ वन एमीन RNS2, इसमें कि 1 डिग्री एमीन है, ये इस तरह से क्या होगा 2 डिग्री एमीन होगा, RNH R' और फिर RNR-R" 3 डिग्री एमीन। ये सभी पार्ट्स है जिसके बारे में हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में स्टडी करने जा रहे हैं। बारी बारी से हम इन सभी कंपाउंड्स को स्टडी करें। आज की क्लास में हम आपको सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में बताएंगे, इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग अल्केन आइसोनाइट्राइल और अल्केन नाइट्राइल के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट है इसमें कि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग स्टडी करते हैं अल्काइल नाइट्राइट्स एंड नाइट्रोजन के। तो हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें पढ़ना हम लोग का हुआ है क्या है अल्काइल नाइट्राइट्स एंड नाइट्रो अल्किन। देखिए अगर हम HNO2 की बात करें, नाइट्रस एसिड की बात करें, तो वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रस एसिड HNO2 हैज 2 फॉर्म्स, इसको 2 फॉर्म्स होता है, 2 स्ट्रक्चर होता है। पहला है HON डबल बॉन्ड O और दूसरा है HNO2। अगर हम इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप डाल दें तो आपको बन जाता है RON डबल बॉन्ड O अल्काइल नाइट्राइट्स। बेसिकली अगर आप इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे तो ये एसिड है और एसिड में हमने H को हटा करके R ऐड किया हुआ है,
ऐसा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में करते थे आर सी डबल ओ एस का, और यहां पर अगर आप एच हटा करके आर ऐड करते थे, अल्काइल ग्रुप ऐड करते थे, तो हम लोग इसको इस्टर कहते थे, दिस इज कॉल्ड इस्टर। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं ये जो कंपाउंड आपका है वो इस्टर ऑफ नाइट्रस एसिड है, तो नाइट्रस एसिड का इस्टर है ये, ठीक है। और अगर हम इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, तब आपके पास क्या बनता है, आर एन डबल बॉन्ड ओ और ओ, इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रो अल्केन। अगर हम इसको देखना चाहें कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कहलाएगा। अल्केन में हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया है, इसका नाम होगा नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो हमारे पास दो है, कंपाउंड अल्काइल नाइट्राइट्स जो कि एस्टर ऑफ नाइट्रस एसिड, एंड नाइट्रो अल्केन जो कि नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन है। इन दोनों कंपाउंड को हम बारी बारी से अब स्टडी करते हैं। हम अल्काइल नाइट्राइट्स के बारे में बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन का तरीका है, आप क्या करो, NaNO2 को H2SO4 के साथ रिएक्शन करो, आपको बन जाएगा NaHSO4 प्लस HONO, ठीक है। अब आप क्या करोगे, HONO को CH3OH के साथ रिएक्शन करा दो, वाटर एलिमिनेट होगा और आपके पास बन जाएगा CH3ON डबल बॉन्ड O। इस तरह से आपने अल्काइल नाइट्राइट्स का प्रिपरेशन कर लिया है। सेकेंड मेथड है, आप क्या करो, CH3OH पर अल्कोहल पर आप एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 डाल दो, ये एनहाइड्राइड हुआ, एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 है, इसको अगर आप ऐड करोगे तब भी क्या होगा, आपको बन जाएगा CH3ON डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो दिस आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल नाइट्राइट्स। अगर इसके हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इस कंपाउंड के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग अल्काइल नाइट्राइट्स का मेंशन कर सकते हैं कि अल्काइल नाइट्राइट्स एक गैस होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अल्काइल नाइट्राइट्स एक गैस होगा, ठीक है। एट नॉर्मल टेम्परेचर अल्काइल नाइट्राइट्स इज ए गैस, बट कूलिंग बिलो 17 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, क्या होगा, इट कन्वर्ट्स इंटू कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ एप्पल, जो एप्पल है मतलब सेब की तरह इसका स्मेल होता है, एप्पल की तरह इसका स्मेल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें सोलबिलिटी का, तो इट इज इनसोलबल इन वाटर बट सोलबल इन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर कीटोन। अगला हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अल्काइल नाइट्राइट्स को एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है डायलेटिंग द ब्लड वेसल को, जो ब्लड वेसल होता है उसको डायलिसिस मतलब डायलेट करने के लिए इसका यूज होता है, डायलिसिस करता है मतलब उसको डायलिसिस करने का सीधा मतलब होता है प्यूरिफिकेशन करना, प्यूरिफाई करने का टेंडेंसी होता है इसको, और इसलिए ये जो कंपाउंड है वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आर एन ओ एन ओ हैज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायलेटिंग द ब्लड वेसल, डायलेटिंग द ब्लड वेसल, और इसलिए क्या होगा हम यहां पर लेते हैं, एंड हेंस इट इज यूज टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, और इसलिए क्या होगा ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है डायलेटिंग द ब्लड वेसल को डायलेट करने का, और इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अल्काइल नाइट्राइट्स का डिप्रेशन एंड इसका प्रॉपर्टीज। हम लोग नाइट्रो अल्केन की बात करते हैं, तो हमने अल्काइल नाइट्राइट्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोग नाइट्रो अल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, नाइट्रो अल्केन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन हम लोग आसानी से CH3Br को अगर हम AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दें आपको AgBr प्रेसिपिटेट मिल जाता है और प्लस CH3NO2 का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसके बाद हम क्या करते हैं ClCH2COOH को NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं आपके पास बन जाएगा NO2CH2 और COOH और प्लस NaCl। इसको अगर हम हीट कर दोगे आप तो आपको पता होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन बहुत आसानी से होगा इस केस में, बिकॉज अल्फा पोजीशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग R3CNH2 का ऑक्सीडेशन करके भी कर सकते हैं नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन R3CNO2, तो आपको अल्काइल अल्केन मतलब नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन हम लोग क्या किया 3° एमीन को ऑक्सीडेशन KMnO4 ले लो K2Cr2O7 ले लोगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके प्रेजेंस में क्या होगा ये ऑक्सीडाइज कर जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने वाली बात ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कलरलेस लिक्विड होता है विथ ए प्लीजेंट स्मेल, इट इज ए कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल, ठीक है एक कलरलेस लिक्विड होता है प्लीजेंट स्मेल के साथ। दूसरा पॉइंट है कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होगा इट इज स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर, बट फेयरली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
नाइट्रो अल्केन खुद एक पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है फॉर आयनिक कंपाउंड. नाइट्रो अल्केन इट सेल्फ एक्ट एज पोलर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड्स के लिए खुद ये पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन. अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रो अल्केन को हम लोग को जानना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस है. देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं नाइट्रो अल्केन. सबसे पहला पॉइंट है कि नाइट्रो ग्रुप को स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है और इसलिए अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको एसिडिक नेचर होगा. तो ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप एनओ टू ग्रुप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई ऑफ एनओ टू ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन हैज एसिडिक कैरेक्टर होगा. और इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम आपको आर सी एच टू एनओ टू को रिएक्शन करा दें एनओएच के साथ तो होगा ये एनओएच क्या करेगा आर सी एच माइनस और एनओ टू कर लेगा और फिर क्या होगा ये इधर ये रिजोनेंस करके कर जाएगा सी एच डबल बॉन्ड्स एन ओ माइनस और ओ और एन ए प्लस. दिस इज द कंपाउंड फॉर्मेशन एसिड बेस रिएक्शन की तरह हुआ. ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एसिड. ये हो गया आपका एसिड. इसी तरह का रिएक्शन जो है आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी कर सकते हो. इस केस में आर सी एच टू एनओ टू है आपके पास तो ये पहले क्या होगा इनोलाइज करेगा और इनोलाइज करके आपको इस फॉर्म में जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच और ओ. एक्चुअल में जो आपका नाइट्रो अल्केन है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, दो टॉटोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है तो इसके बाद अब अगर इस पे आप क्या करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एमजीएक्स यूज करते हो तो आर एमजीएक्स यूज करोगे तो क्या होगा आपको यहां बन जाएगा आर एच चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है और प्लस आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया ओ माइनस एमजीएक्स प्लस. तो ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ. केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने ये देखा कि चूंकि बहुत स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट होता है नाइट्रो ग्रुप का इसलिए अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा और एसिडिक नेचर का होने के कारण वो एक तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और एज वेल एज इनोलाइजेशन के थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे रिएक्टेंट के साथ एसिडिक हाइड्रोजन लेकर के एल्कीन और प्लस आपको ये कंपाउंड बनाएगा इस तरह का सॉल्ट बनाएगा. सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें एक्शन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के एक्शन की बात करें एक्शन ऑफ सीएल टू तो अगर आप क्या करते हो सी एस थ्री एनओ टू पे अगर आप सीएल टू एड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू तो क्या होगा आपको बन जाएगा सीसीएल थ्री और एनओ टू. इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन. इसका नाम होगा क्लोरोपिक्रीन. ठीक है ये एक स्टराइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है फॉर सॉइल. अगला रिएक्शन है दूसरा एक्शन ऑफ एच एन ओ टू. इस रिएक्शन को एक्शन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विक्टर मेयर टेस्ट. अल्कोहल में जब हमने विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा था
इस चीज को हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपके पास RCH2 और NO2 है, इस पे अगर आप क्या करते हो HON डबल बॉन्ड O यूज करते हो तो आपके पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड NOH और फिर NO2, वाटर का एलिमिनेशन हुआ। हुआ ये, यहां से दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन हट गया और आपके पास ये बन गया। इसके बाद फिर क्या होगा, अब अगर हम इस पे क्या करते हो, अब अगर हम इस पे क्या करें, NaOH ऐड कर दें तो आपको बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NO-Na+ और NO2 और बन गया आपको क्या, ये एक सॉल्ट बन गया, एक तरह का कंपाउंड बन गया, जिससे कि आप देख सकते हो क्या हो रहा है, रेड कलर का हो गया, रेड कलर का कंपाउंड बन गया। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री नाइट्रोल की, अगर हम यही पे 2 डिग्री ले लेते हैं RNO2 और इसको हम HONO2 के साथ रिएक्शन करा दें, वाटर बाहर जाएगा और आपके पास बन जाएगा क्या, RCR' हो जाएगा क्या NO2 और उसके बाद फिर हो जाएगा क्या N डबल बॉन्ड O। इस पे अगर आप NaOH डालोगे तो फिर फर्दर रिएक्शन नहीं होगा और ये कलर हो जाता है ब्लू कलर। ठीक है, फिर वाटर का एलिमिनेशन हुआ, यहां पर से क्या हुआ OH निकला और यहां से H निकला। अगर आप फिर क्या करते हो, ये 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन के साथ हुआ, अगर हम क्या करते हैं आप 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन ले लेते हैं RCR" NO2 और इसके साथ HONO को रिएक्शन कराते हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये जो अलग अलग तरह का रिएक्शन कलर जो मिल रहा है हम लोग को, अलग अलग टाइप ऑफ नाइट्रो अल्केन, यही जो है विक्टर मेयर टेस्ट का बेसिस है। विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग अल्कोहल को पहले हम लोग नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट करते थे बाय रिएक्टिंग इट विद AZI and HNO2। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर ये स्टेप करवाया जाता था। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं इस रिएक्शन को, अभी भी हमने देखा। देखिए रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन इज डिफरेंट। डिफरेंट मीडियम रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन इज डिफरेंट। नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन प्रोडक्ट डिफरेंट। जैसे कि देखो आप RCH2NO2 को अगर हम एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करें तो आपको बन जाएगा RCH2NH2। यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो होता है 3+HCl Fe+CH3COOH। आप LiLH4 यूज कर सकते हो, निकेल पैलेडियम H2 यूज कर सकते हो। ये सब अगर रखा आपने तो एसिडिक मीडियम में आपको ये बने। दूसरा, अगर हम न्यूट्रल मीडियम में आपको इसका रिडक्शन करवाने के लिए कहें, न्यूट्रल मीडियम में हम रिडक्शन करवा रहे हैं इसका, तो न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करोगे तो आपको बन जाएगा RCH2NHOH। ठीक है, RCH2NHOH न्यूट्रल मीडियम में आपको रिडक्शन होकर के ये बनेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर ले सकते हैं जिंक NH4Cl। अगर हम बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराएं इसको NO2 के साथ, बेसिक मीडियम में हम रिडक्शन कराएं तो आपके पास बनता है RCH डबल बॉन्ड NOH और साथ ही साथ RCH2NHOH बनता है। ये दोनों फॉर्मेशन होता है और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है SnCl2+HCl। SnCl2+HCl के साथ क्या होगा, ये जो नाइट्रो अल्केन है वो रिड्यूस होकर के इस तरह से कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो ये तरीका है जिसमें कि आप देख सकते हो कि नाइट्रो अल्किन का रिडक्शन हो रहा है अलग अलग मीडिया में। एसिडिक मीडिया में आपको एमीन मिल रहा है, न्यूट्रल मीडिया में आपको ऑक्साइन मिल रहा है, और इसमें आपको ऑक्साइन के साथ साथ आपको एक इनऑक्साइन मिल रहा है जो सब्स्टिट्यूट मतलब डबल बॉन्ड है, एक अनसैचुरेशन फैक्टर भी है यहाँ। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। बात अगर हम हाइड्रोलिसिस का करते हैं, नाइट्रो अल्केन के हाइड्रोलिसिस की करते हैं बात, तो देखिए अगला पॉइंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो अलग अलग तरह का नाइट्रो अल्केन अलग अलग तरह का प्रोडक्ट देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 डिग्री RNO2 ले, RCH2NO2 ले, मतलब 1 डिग्री RNO2 हो गया, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन हो, और इसको हम हाइड्रोलिसिस कराए इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो होता क्या है, इसमें एसिड बन जाता है, RCOOH बनता है। ठीक है, एसिड बन जाता है। अगर हम RCr'HNO2 को जो 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, इसको अगर हम H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये करें, तो आपको बन जाएगा RCr'OH। और अगर हम क्या करते हैं, RCr'NO2 को H2O के साथ रिएक्शन करवाएं HCl के प्रेजेंस में, तो इसमें रिडक्शन, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि जो अलग अलग तरह का आपके पास नाइट्रो अल्केन है, वो अलग अलग तरह का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट दे रहा है। 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन कीटोन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह का नाइट्रो अल्केन अलग अलग तरह का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रो अल्केन और अल्काइल नाइट्राइट्स का जो टॉपिक है उसको फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम आपको आइसो नाइट्राइल और अल्काइल नाइट्राइल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।